आइए आपको सैर करवाते हैं तारीखी खिला दरावड़ भावलपुर का। सराई खेलों का ऐसा सिलसिला जिसे छोलिस्तान किला यानी दरावड़ किला भी कहा जाता है, 40 साल तक भावलपुर के हुक्मरान दाऊद पुत्रा का सराई मस्कन रहा। ये जनूबी पंजाब के वसी रेगिस्तानी दलदल वाले इलाके में अपनी नौयत में खास है। एक ऐसा किला जो अब भी अपनी अजमत को बरकरार रखे हुए है। अपने तारीखी फन तामीर के साथ जो सदियों की शान शौकत की अलामत है, ये किला सराय है। सहराय छोलिस्तान में एक खास तवज्जो का मरकज है। दरावड़ किला सबसे पहले 9वीं सदी में राय जजा भट्टी के बादशाहत में तामीर किया गया था। तहम भावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने 1733 में किला पर कब्जा किया था और इसे दोबारा तामीर किया था कि जैसा ये आज लगता है। ये मुगल तर्ज तामीर की इंतहा है जिसका आगाज पहले मुगल बादशाह से हुआ और इसमें फारसी, तैमूरी और हिंदू रिवायात का इम्तिजाज शामिल है। ये किला 1747 में नवाब से छीन लिया गया, लेकिन 1804 में नवाब मुबारक खान ने किला पर दोबारा कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने इस इलाके पर हमला किया और किला पर कब्जा कर लिया। ये किला आसार कदीमा का हिस्सा है और कुछ वादी सिंध की तहजीब के जमाने के असरात भी हैं। किला का साइज बहुत बड़ा है और ये मिट्टी से बना हुआ शानदार कई मुरब्बा फिट पर फैला हुआ है। दीवारों की लंबाई 1500 मीटर और इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक है। 40 गोल बनावट वाला ये किला जो 30 मीटर ऊंचाई है, कई मील तक सहरा में नजर आते हैं, जिसको कटब्रिक से बनाया गया है। किले के अंदर तामीरात की बाकियात मौजूद हैं, जो कि टाटल और फ्रेस्को के काम से आरास्ता हैं। मोतिया पर्ल मस्जिद भी करीब ही वाक्य है और भावलपुर के नवाबों का रिवायती कब्रिस्तान भी आरायशी और वसी कब्रिस्तानों से भरा हुआ है। अपनी इतनी सारी खूबियों के साथ ये हुकाम की गफलत की वजह से तबाही के दहाने पर है। भावलपुर से 100 किलोमीटर दूर छोलिस्तान के सहरा में खला दरावड़ के साथ जामे अब्बासिया मौजूद है, जो सयाहों को अपनी तरफ खींच कर लाती है। 1256 में इस मस्जिद की तामीर नवाब भावल खान अब्बासी स्वयं से शुरू करवाई और 1265 में नवाब सुब सादिक के दौर हुकूमत में मुकम्मल हुई। मस्जिद में 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद की 3 गुम्बद और 2 मीनार हैं। मरकजी हॉल 16 फीट चौड़ा और 128 फीट लंबा है। सहरा छोलिस्तान के करीब किला दरावड़ के बीच शाही कब्रिस्तान है, जो अभी भी मौजूद है। ये कब्रिस्तान अब्बासी खानदान के नवाबों, शहजादों और शहजादियों की आखिरी आरामगाह है, जिसे 200 साल पहले तामीर किया गया था और इस वक्त से अब तक इसकी देखभाल अब्बासी खानदान के बाशिंदे कर रहे हैं। इस कब्रिस्तान में मुतादित महलनुमा मकबरे मौजूद हैं, जिसमें एक सिर्फ नवाबों की तदफीन के लिए है। शाही मकबरे में कुल 14 कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से 9 कब्रें इन नवाबों की हैं, जिन्होंने 260 ज़ायद अरसे तक रियासत भावलपुर पर हुकूमत की। Thank you.